सुनिएगा कि कोरोना कोरोना सुनो ना, एक बात बताओगे, कहाँ से आए हो, कितने दिन रहोगे और हमें छोड़कर वापस कब जाओगे। यू तो हम भारतवासी हैं बहुत संस्कारी, पूछते नहीं अतिथि के आगमन और गमन की तारीख, पर ऐसा भी अब क्या मौन दिखाएं, वर्ष हो गया आए तुम्हें, तुम्हारी और कितनी मनमानी सहते जाए। आए थे जिस तेजी से तो, जाते भी वैसे तो अच्छा होता, इतना उधम ना मचाता घर पर गोलू। गोलू किसका नाम है इधर? उधम मचाते हो? इतना उधम ना मचाता घर पर गोलू, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त मोहल्ले का हर बच्चा होता। जीना तूने दुभर कर दिया, मेरी गपशप वाली फेवरेट पड़ोसन को भी तूने घर में बंद कर दिया। आप लोगों की भी शायद फ्रेंड लोग जिन लोगों के साथ थोड़ा जो बातचीत होता होगा वो सब अभी डिस्टेंसिंग की वजह से बंद होगा। आगे है, कहते हो ना हाथ मिलाओ, ना ही किसी के पास जाओ, हम पढ़े तो फिर भी समझे, बच्चों पर कैसे लगाम लगाओ। ये बैठे घर पर दिन भर, ये कौन? आप लोगों के स्वामी प्राणनाथ। ये बैठे घर पर दिन भर चाय चाय चिल्लाए, नजर रखे चिंटू की दादी, चिंटू की दादी वही आपकी सासु है ना, एक छोटी गलती पर भी हाय तौबा मचाए, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, खासकर बुजुर्गों को घर पे ही रहना, तो वो दिन भर बैठ के आपको वॉच कर रही है जस्ट लाइक अ सीसीटीवी कैमरा, है ना। बहुत हो गया अब तू निकल मेरे देश से, ना माने तो फिर डरेगा तू मेरे चंडी रूपी बेस से। अब आप लोगों को यही बेस दिखाने का जरूरत है, अब इसके जो नियम चाहिए हम लोगों को, ये अगर हम लोग ठान ले तो ये हो सकता है। नहीं सुनेगा ऐसे तो तू सोनू के पापा को बुलाओ, सोनू कौन इधर? कोई सोनू नहीं है। सोनू के पापा को बुलाओ, मेरे प्रचंड रूप का क्या मैं उनसे ही तुझे बखान कराऊं। अब आंटी तो इतना गुस्सा, इतनी सारी बातें आंटी ने बोल दी, तो अब ऐसा है कि कोरोना जो है वो भी कुछ कहना चाहेगा, तो आंटी के बात पे कोरोना का जो जवाब है वो भी अपना बात कह रहा है कि आंटी आंटी मुझ पे क्यों चिल्लाती हो, इन सारे झंझट का गुस्सा मुझको क्यों दिखाती हो, तुम लोगों ने तो फिर मुझे बुलाया, अपनी गलती और नादानियों से तुमने ही तो मुझे बढ़ाया, कोसने से यूं मुझको क्या होगा भला, दिखाओ तुम सब अपनी समझदारी, करो नियमों का पालन, ताकि कहना पड़े मुझे कि लो तुम सबको छोड़कर अब मैं चला। आगे है, मास्क पहनो तो रखो दो हाथ की दूरी, धोते रहोगे साबुन से जो हाथ, तो फिर कहां होगी तुम्हें इन्फेक्टेड करने की मेरी मंशा पूरी। बात रही जो बच्चों की तो क्या तुमने खाना घूमना कहीं आना जाना छोड़ दिया, यदि नहीं ना तो फिर केवल शिक्षा को ही क्यों इतने हल्के में तोल दिया, है ना। सोच रहे हो जो अभी बैठे तो अब निर्णय लो, ऑनलाइन माध्यम से ही सही लेकिन बच्चों को तुम पढ़ने दो, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तुमको छोड़कर, पर बर्बाद होते इस वक्त को क्या ला पाओगे तुम ओढ़कर। धन्यवाद।